इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मास्क पहनने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट के मुताबिक अगले अकेले कार ड्राइव करने पर भी मास्क पहनना जरूरी होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि अकेले कार में बैठा हुआ शख्स भी पब्लिक स्पेस में बैठा माना जाएगा। हाई कोर्ट के मुताबिक मास्क सुरक्षा कवच की तरह है जो कोरोना को रोकता है। गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है इस खबर पर। सबसे पहले गौनिका, आप यही बताएं कि हाई कोर्ट का क्या निर्देश है? देखिए, बिल्कुल तमाम जैसी याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि अकेले जब कोई पर्सन ड्राइव करता है तो उस दौरान भी पुलिस अगर मास्क नहीं पहना होता है उस शख्स ने तो पुलिस उस शख्स पर चालान करती है, फाइन लगाती है। इसको लेकर पिटीशन कोर्ट में फाइल की गई थी और इस पर आज आदेश कोर्ट का आया है कि अगर कोई शख्स अपनी कार में अकेले भी ड्राइव करता है तो उसे मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि एक कार एक पब्लिक प्लेस है। चाहे आप अकेले ड्राइव कर रहे हो या किसी के साथ ड्राइव कर रहे हो, आपको मास्क पहनना जरूरी है। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अगर आपके घर में कोई एल्डरली सिटीजन है तो आप उनकी सुरक्षा के लिए भी घर में मास्क पहनने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन देखिए, पहले भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि जब भी लोग अकेले कार में ड्राइव करते हैं, उनके साथ कोई भी नहीं होता है, उस दौरान जब मास्क नहीं पहना होता है तो पुलिस उनका चालान करती है, जिसको लेकर कई बार पुलिस और आम लोगों के बीच में ठीक है। हाईकोर्ट का आदेश है और इसका पालन करना ही होगा क्योंकि यही नियम कहता है। लेकिन कई डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जिस वक्त जरूरत ना हो अगर उस वक्त भी आप मास्क लगा के रखेंगे तो आपके ऑक्सीजन लेवल डाउन जा सकते हैं। बहरहाल, ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन नियम है, नियम मानना पड़ेगा। शुक्रिया गौनिका पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।